हेलो दोस्त, आरआरसी सेंट्रल रेलवे, सीसीए और पीडब्ल्यूडी का रिजल्ट आ चुका है। अगर दोनों का डाटा देखें, हालांकि अलग अलग नहीं है पीडब्ल्यू और उनका, उन रिजल्ट में देखेंगे तो अब ओबीसी के लिए जो हमने कल डिस्कस किया था वो पॉइंट लागू होता हुआ दिख रहा है कि ओबीसी को 27.5 के बदले 15% रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 1428 पोस्ट के आसपास 9345 पोस्ट में से ओबीसी वाले का रिजर्वेशन रहेगा। बाकी कम्युनिटी में भी कम हो रहे हैं और उनको भी एक कह सकते हैं कि उनके लिए भी एक सीसीए वाला का रिजर्वेशन जब जा रहा है तो कम्युनिटी वाइज जा रहा है, तो कहीं में ज़्यादा है कहीं में कम है। ईडब्ल्यूएस में मात्र 19 कैंडिडेट हैं तो बाकी में बहुत ज़्यादा हैं, खास करके एससी और ओबीसी में ज़्यादा सीसीए कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी के हो रहे हैं। डीबी का कॉल लेटर भी अभी वेबसाइट पे हमने देखा था आपके साथ आ गया है, जिनका हुआ है थोड़ा सा उस वीडियो में वो हो गया था 13-2 से नॉर्मल कैंडिडेट का है, वहाँ भी बोला गया था मेरे से सीसीए, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेंगे और कट ऑफ बढ़ना तय, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इतने कैंडिडेट हैं तो बढ़ने हैं। तो देखिए वेबसाइट पे देख लीजिएगा, वेबसाइट पे तो डाटा आ गया है, मुझे कोई टेलीग्राम पे शेयर किया है उसी से मैं ले रहा हूँ डाटा, क्योंकि अभी हमें जल्दी थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा समझाना है वीडियो में ज़्यादा। तो यहाँ 1990 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, 1990 कैंडिडेट को हमें कम्युनिटी वाइज अगर निकाल लिया तो हमारा काम और आपका भी काम आसान हो जाएगा, और थोड़ा सा हमारे पास वैकेंसी टेबल है ही है, 3-2 का डेट है ही है, सब कुछ मिला के मैच करेंगे। तो यहाँ पे 1990 कैंडिडेट हैं जिसमें आप देखेंगे कि सीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 15-2 से है उसके लिए आ गया है, नॉर्मल कैंडिडेट का इसमें नहीं है। लेकिन इस रिजल्ट में हम एक बार सर्च कर लेंगे, हमने एक बार इसको निकाल लिया है सारा डाटा, निकालने के बाद कम्युनिटी बाई कैंडिडेट निकाल लेंगे। और इनका देखिए ऊपर में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा इसमें कि कैसे कन्फ्यूजन करते हैं कि इनका डीबी अदर देन सीसीए का 15-2 लिखा है और पहले वाले में 13-2 था। एक मिनट और नोटिस अगर वो निकाल लेंगे, कोई भी नहीं हो तो इस नोटिस को मान ही लीजिए कि यहाँ 15-2 या 13-2 या आपके ई कॉल लेटर में हो उसको देख लीजिएगा। यानी बाकी का 8 से तारीख से हो गया, पहले 3 से दिखा रहा था वो बढ़ गया है, 8-2 से है और यहाँ आपको 15-2 से नॉर्मल कैंडिडेट का है। पिछली वीडियो में यही कन्फ्यूजन हो गया था, अदर देन सीसीए और पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ था और मैंने उसको नॉर्मल सीसीए माना था, उस रिजल्ट में सीसीए का ही जिक्र था। तो चलिए इसमें हमने इसको सेलेक्ट करके हटा देते हैं। बार बार लोग कहते हैं यार आप पीडीएफ ही दिखाते हो, तो थोड़ा आज इस बार नोट में दिखाते हैं। तो नोट में मैंने लिख लिया, इसमें से सेलेक्ट कर लिया, यूआर में 164, एससी में 482, एसटी में 97, ओबीसी में 2288 और 19 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में हैं। ये संख्या टोटल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1990। 1228 केवल ओबीसी में है, वैकेंसी ओबीसी की होती है 27.5% और ओपन में देखेंगे तो 2600 कुछ वैकेंसी है, उसमें से 1228 घटाएंगे अभी चलेंगे थोड़ा सा। तो चलिए इसको हटाते हैं, एक ये वाला आप देख लीजिएगा, इसके बाद हम आते हैं आपको अपने ही डाटा में। यहाँ पे वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे यहाँ रिजल्ट आया है, सब छोड़िए अभी इसको, सीआर का वेबसाइट पे नहीं देख जाएंगे हम, केवल मुंबई का पीडीएफ की बात करेंगे। तो पीडीएफ में देखिए हमने 2-3 चीज़ आपको बता दिया था पहले ही, सारी चीज़ें आपको पता है, यहाँ वैकेंसी कितनी है सब कुछ पता है आपको। सीसीए का रिजल्ट हमारे पास नहीं था ये पता है। यहाँ पे देखिए 9345 कैंडिडेट टोटल वैकेंसी के लिए है, उसमें से 2656 किसके लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए था, 2398 एससी के लिए था, इसमें से 492 घट जाएंगे तो इनके लिए कितने बच जाएंगे, सीधा सीधा ये 98 में से 92 ख़त्म और 13 में से 4 गया, 900 इनके लिए 4 वैकेंसी बची है, 906 वैकेंसी एससी कम्युनिटी का, और ओबीसी में से 1228 घटा दीजिए तो 16 के 16 8 5 यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और यहाँ से 6 में से 4 1428 वैकेंसी ओबीसी को मिलने वाला है ओपन से। हालांकि यूआर में तो फाइट कर सकते हैं, यूआर मतलब अनरिजर्व होता है, गलती से जनरल नहीं समझना आप, यूआर में। ईडब्ल्यूएस में मात्र 19 कैंडिडेट कम होंगे तो इनका वैकेंसी कितना बचा रह जाएगा, तो ये 19 घटा भी देंगे तभी कभी भी इनका 15 और 15 में से या कह दे कि 14, यानी इनका 916 के आसपास वैकेंसी बचा रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, जितनी वैकेंसी थी वही रहेगी। लेकिन कम किसका हुआ, तो कम हुआ आपका ओबीसी का, एससी का। यूआर में अगर 100 कुछ हैं, 167 ये भी घटा देंगे तो करीब करीब 3400 प्लस वैकेंसी यहाँ अभी भी रहेगा। एसटी में 87 या 97 कैंडिडेट है, ये घटा देंगे तो इनका सीटें करीब करीब 600 के आसपास बच जाएगा। अब इन सीटों पे अगर बात करेंगे, इन सीटों पे जो कैंडिडेट हैं क्वालिफाई उसको देखिए, अब
यहाँ पे जब पीटी के बाद आया है तो कटअप क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा बोलेंगे, बहुत अभी रिजल्ट आ जाएगा तभी हम देखेंगे। कम्युनिटी वाई वाई कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं ओबीसी में, एक मिनट कहाँ गया, क्वालिफाई कैंडिडेट, हाँ यहाँ पे 8,434 कैंडिडेट क्वालिफाई है और 1,428 वैकेंसी है ओबीसी में। अनुमान लगा सकते हैं 14×56 14×7=84, नहीं नहीं एक मिनट कहीं होता है 15×96 होता है ना, तो यहाँ 14×6 यानी 6 गुना कैंडिडेट आपके हैं लगभग लगभग, मैं रफ आइडिया बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हैं, तब भी 6 गुना ओबीसी में कैंडिडेट हैं। और ओबीसी का कट ऑफ जो गया है अभी, यहाँ पे तो हमें 3.4 दिखा रहा था लेकिन सीसीए की जब पोस्ट देख रहे हैं, सीसीए हटाने के बाद 1,228 केवल ओबीसी में है, तो यहाँ पे ये गुना में 6 हो रहा है, गुना में 6 हो रहा है तो कट ऑफ क्या बढ़ेगा, आप अनुमान लगा लीजिए। 6 गुना कैंडिडेट है, कुछ यूआर में भी जाएंगे तो ये 58 कट ऑफ है, 58 से यहाँ पे 64 गया है यूआर का, तो ये तो क्रॉस करेगा ही, ये तो सिंपल सा हमने मैथमेटिक्स किया है, इससे ऊपर ही जाएगा, ये तो सिंपल बात है। मुझे डांटे थे लोगों ने कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें ही सारी चीज़ें पता, 58 के बाद 64 कैसे हो जाएगा, ये 6 नंबर कैसे बढ़ेगा, तो मैं बोला था बढ़ेगा और अब तो और बढ़ेगा क्योंकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है सीसीए का, तो करीब करीब ये 58 वाला मान लीजिए 10 नंबर तक तो पहुँच सकता है, लेकिन ऐसे अनुमानतः 8 से 10 नंबर ये ले लीजिए अब, क्योंकि सीसीए 1,228 बहुत ज़्यादा ओबीसी में पास हो रहे हैं। मैंने कल ही बिलासपुर देख के बता दिया था कि ओबीसी के कारण ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। यूआर का कटअप तो हमेशा टॉप पे रहेगा, ये तो मानना ही आपको है, ये भी आपको 4-5 नंबर जो हमने एक्सपेक्टेड किया था, 2-3 नंबर उसमें 1-2 और जोड़ लीजिए, और वो 1-2 नंबर कौन बढ़ा रहे हैं, ये सारे ओबीसी वाले आके बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनका ओबीसी का अनरिजर्व में ज़्यादा जा रहा है। बाकी कम्युनिटी की बात करेंगे तो देखिए एससी में भी ठीक ठाक बढ़ेगा, एससी की भी पोस्टें अब बहुत कम हो गई है, एससी का अगर देखेंगे तो 1100 में हम देखेंगे ऊपर वाला वैकेंसी से, इनका 1398 में से करीब करीब 292 या कुछ उस वैकेंसी लेके चले गए, तो इनके पास तो वैकेंसी भी कम हो गई, ये भी वैकेंसी कम हो गई, 487 पोस्ट, तो इनकी भी पोस्ट कम हो गई। और कैंडिडेट ये जो हमने एक्सपेक्टेड किया था जो वैकेंसी के हिसाब से कि 2.3 है, यानी ये भी 3 गुना से आसपास में चला गया, तो एसटी का भी यूआर में जाएगा, बाकी क्वालिफाई होगा, तो ये नंबर बढ़ना है, और बढ़ना है कितना देख लीजिएगा, 51 तो है लेकिन आप मान लीजिए 56 से लेके 57-58 तक जाएगा, और अभी भी किसी भी कंडीशन में 64 नहीं जाएगा, ये मेरा अभी भी अनुमान है। ये 44 वाला कितना कटअप जाएगा, मैं सॉरी इसके लिए कई जगह बोल दिया हूँ कि लोअर साइड है, ये भी ईडब्ल्यूएस में वाले 40 हैं, इनके लिए तो एक बेनिफिट ये है कि ईडब्ल्यूएस में 19 कैंडिडेट भी क्वालिफाई किए हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, यहाँ पे एक मिनट पीटी क्वालिफाई की बात कर रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस में करीब करीब 1900 हैं, यानी एक पोस्ट पे करीब करीब 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इनका पोस्ट मतलब ठीक ठाक रह गया, ज़्यादा कैंडिडेट सीसीएस से नहीं क्वालिफाई हुआ जिसके कारण 2.6 है, लेकिन फिर भी ईडब्ल्यूएस का 40 तो नहीं रहेगा जैसा कि बिलासपुर में देखने के लिए आया है, तो ये 40 से 50 की तरफ जाएगा और कहाँ जाकर रुकेगा वो थोड़ा वेट करना है, और वेट क्या है, अभी वीडियो बना रहे हो सकते 1-2 घंटा में आ जाए या शाम तक आ जाए, और पीटी क्वालिफाई डिटेल ये सारा ई बुक पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, यानी मेरे तरफ से अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये वाला कटअप हमें दिख रहा है 68+ तक होता हुआ दिख रहा है, प्लस में बात कर रहा हूँ, ये वाला 58 वाला हमें 56+ यहाँ पे 58 है, यहाँ पे ये 64 है तो 66+ होता हुआ दिख रहा है मुझे, ये वाला 51 वाला कटअप 56+ दिख रहा है मुझे, 44 वाला 50 के आसपास समथिंग में, हो सकता है एक आध पॉइंट नीचे हो या ऊपर हो, 50 के समथिंग दिख रहा है, और ये 40 वाला 50+ ही मुझे दिख रहा है, बाकी आपकी डिटेल देखते हैं और बाकी डिटेल आता है तो बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।